हकीम साहब, जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि लता जी हैं, अब तो इच्छा भी जाहिर होने लगी है कि आपसे भी मुलाकात करना चाहते हैं, और जो व्यूवर्स हमारे साथ एक परिवार की तरह जुड़ गए हैं, वो भी मुलाकात करना चाहते हैं, एक दूसरे को देखना चाहते हैं। लेकिन ये जो जुड़ाव है, हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो वो बस लिख देते हैं, ये दवाई है, इसे खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, या फिर इसको कंटिन्यू रख लीजिए। एक हमारा ऐसा शो है और ऐसा एक जुड़ाव आपसे दर्शकों का हो गया है कि वो दवाई तो जानते हैं, यानी कि नुस्खे तो जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका एक जो जुड़ाव है वो मुलाकात के लिए, मतलब चाहते हैं वो आपसे बस मुलाकात करना, कैसे ना कैसे मुलाकात हो जाए। हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि वही मुलाकात करना चाहते हैं, जी जी क्योंकि प्रेम तो मैं भी उन लोगों को करता हूँ। बिल्कुल अब बहुत दिन से ये सिलसिला चल रहा है, पहले ये बीमारी आ गई, महामारी, और अभी भी मौजूद है, तो इस वजह से टाल रहे हैं इस बात को। पर पूरी तरह हम सुरक्षित हो जाएं, उनके लिए भी यही अच्छा है और हमारे लिए भी यही अच्छा है कि जब तक ये महामारी चल रही है, हम थोड़ा फासला रखें, और कभी ना कभी तो मुलाकात करनी ही होगी अपने ऐसे व्यूवर जो हमें हमारे अपनों से ज़्यादा अपने हैं। बहुत ज़रूर होगा, और वो मुझसे भी और आपसे भी मुलाकात करना चाहते हैं। पहले आप वादा करें कि आप मौजूद रहेंगे, जब ऐसा कार्यक्रम हो जी, तो आप आप उसमें मौजूद तो मैं मौजूद रहेंगे। मौजूद। कहीं ऐसा ना हो कि आप शादी करके चले जाएं और लोग खाली मुझसे बुढ़े आदमी से ही मिलकर चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल हकीम साहब, जहाँ पे आप मौजूद रहेंगे उस कार्यक्रम में, बिल्कुल मैं सबसे पहले पायदान पे होंगी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब कॉलर्स जुड़ के आप रोते हैं तो वो रोते हैं, मतलब ये जुड़ाव ऐसा हो गया है कि अपनी प्रेजेंट लगवाने के लिए लोग हमारे कार्यक्रम में कॉल करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे दर्शक हैं जो शिकायत कर देते हैं, इनकी कॉल लग जाती है लेकिन हमारी कॉल नहीं लग पाती है। देखिए, कॉल तो बहुत मुश्किल है लगाना, जी कैसे लगा लेते हैं मैं हैरत में हूँ। क्योंकि अगर हमारा परिवार भी, बिल्कुल मतलब अगर मेरी बीवी, आपके मम्मी डैडी अगर कॉल लगाना चाहें जी 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 तो कितनी कोशिश कर लें, जी जी शायद मिल जाए। लेकिन ये लोग कैसे, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, इससे इनकी मोहब्बत का पता चलता है। बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ते। मैं सुबह से 8 बजे से जो शुरू होता है मेरा प्रोग्राम, फिर 10 बजे, फिर 8 बजे से 9, फिर 10 बजे, फिर ये, फिर उसके बाद और उसके बाद, लेकिन हर प्रोग्राम देखते हैं। मेरी एक ही बात जो मेरे जबान से निकली उनको मालूम है, और जी मालूम ही नहीं बल्कि दिमाग में लिख ली। कितने लोगों ने तो मेरी बात को लिख कर रिकॉर्ड कर लिया है या लिख कर लेमिनेट करा दिया। कितने लोग ऐसे हैं कि लेमिनेशन करा दी मेरी बात को। इतनी मोहब्बत, भगवान इन सबको अच्छा रखे और सेहतमंद रखे, इज्जत और मर्तबे के साथ इनकी रक्षा करे। और इन लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं भी आपकी सेवा करता रहूं। चलिए, अब ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।